75% पानी है तो 25% जमीन बची है, सड़क है, फैक्ट्रियां है ना, नदी है, नाले है, तो जो 1% जमीन बची हुई है उसमें हम लोग खेती करते हैं। ये वर्ल्ड वाइड सर्वे तो इस 1% जमीन रेलवे वाला ले रहा है, उसके रोड बन रहे हैं। अब अगर इन सभी कारणों में ब्रेक न लगाया तो, लेकिन बताइए पैसा अगर अनाज खाने को नहीं हुआ कहाँ से बनता है, तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर जमीन नहीं हो कोई भी अस्तित्व नहीं है। हमारी खेती में खर्चा कितना होता था है ना, नहीं 4 साल पहले तो लगाने के नाम पे 1 रुपया नहीं लगाता था किसान। उसी खेत से जो हुआ वो फेंक दिया, पानी गिर गया क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी, तो 0 वर्ष थी। आज वर्ष कितनी है, ये जो कार्यशाला हम लोगों ने किया है अखिल भारतीय मानव अधिकार निगरानी समिति के तत्वाधान में, किसानों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है कि आज हमारी ज़मीन जो बंजर होते जा रही, खेती या उपज ज़्यादा नहीं हो रही है, उसके लिए हम एक कार्यशाला करके कानपुर से और शहडोल से जो वैज्ञानिक है वो आए हैं और इनमें किसानों को जानकारी दे रहे हैं हम कैसे अपनी ज़मीन को बचाएँ, हम किस तरीके से उसमें अच्छा वृक्षारोपण करें पौधे को और खेती को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित करें, इसके लिए हम लोगों ने जितने भी केमिकल हैं आज जो हम पोटास यूरिया जितने भी केमिकल्स अपन खेतों में डालते हैं और जहरीले बना रहे हैं पौधों को, धान को हो चाहे हम जो साग भाजी उगाते हैं उसे कीटनाशक दवा डाल रहे हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है जिसको हम फल या सब्जी अनाज के उसमें खा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा ज़मीन को भी बंजर बना रहा है, वो जहरीला बना रहा है और पत्थर कड़ा कर दिए कड़ा कर दिया जा रहा है ज़मीन को। तो हम लोग चाहते हैं कि इस पर एक खेत जैविक खाद जो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जहाँ 1 एकड़ में हम 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च करके धान उत्पादन कर रहे हैं या कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं, वहाँ पे हम चाहते हैं कि कम से कम लागत में जैविक खाद जो एक लिक्विड के रूप में है उसे हम खेतों में रोपण करें और उसे आगे बढ़ें। सुनीता टिकरिया। एक्चुअली ये ग्रीन प्लैनेट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक मिशन पे काम कर रहा है सेव द मदर अर्थ, और हम लोग ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो भी ज़मीन ख़त्म होती जा रही धीरे धीरे, जो खेती लायक ज़मीन है वो ख़त्म होती जा रही है, उसको धीरे धीरे हम लोग ऑर्गेनिक प्रोसेस से ठीक करेंगे और ज़मीन को बचाएंगे ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको भरपेट भोजन मिले। जी हम लोग किसान एक्चुअली यहाँ क्या जो किसानों के लीडर्स जिनका कहीं ना कहीं टच है किसानों के पास, उन लोगों के साथ हमारी मीटिंग है। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद गांव-गांव जाके गोष्ठियां करेंगे और किसानों को ये जानकारी देंगे। ओके